हमीरपुर जिला के वाशिंदों के लिए खुशखबरी है क्योंकि दो इलेक्ट्रॉनिक वैन में लोग सफर कर सकेंगे। जिला में ये पहली बार HRTC डिपो में कदम उठाया है, जिसके चलते उत्सर्जन मुक्त और पर्यावरण के अनुकूल वाहन सड़कों पर दौड़ेंगे। जानकारी के अनुसार HRTC डिपो हमीरपुर में दो इलेक्ट्रिकल वैन ई सुप्रो वैन शामिल हो गई हैं। एक बार चार्ज करने पर इलेक्ट्रिकल वैन 120 किलोमीटर तक चलेगी। यही नहीं, 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से इसे सड़क पर दौड़ाया जा सकेगा। यात्री जल्द ही कम किराए में इलेक्ट्रॉनिक वैन में घूमने का लुत्फ उठा सकेंगे। वर्कशॉप हमीरपुर में HRTC की राइड विद प्राइड वैन पहुंच गई है। वैन में ना तो क्लच है और ना ही डीजल व पेट्रोल का झंझट है, ये सिर्फ बैटरी चार्ज से ही स्टार्ट होगी। बैटरी युक्त इलेक्ट्रॉनिक शून्य उत्सर्जन वाली महिंद्रा ई सुप्रो यानी वैन वाहनों के उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में ऑल इलेक्ट्रॉनिक पर्यावरण प्रणाली को अपनाने की दिशा में यह पहला कदम है। इस सुप्रो में पर्याप्त जगह, अच्छी सीटें और कम शोर के साथ लोगों के लिए एक आदर्श विकल्प है। महिंद्रा इस सुप्रो देश की पहली 8 सीटों वाली इलेक्ट्रॉनिक वैन है जो उत्सर्जन मुक्त है और पर्यावरण के अनुकूल है। सूत्रों की माने तो यात्रियों को वैन में 10 किलोमीटर का 10 रुपए किराया देना होगा। यही नहीं, 10 से 15 किलोमीटर किराया 15 रुपए निर्धारित किया गया है। अगर यात्री 15 किलोमीटर से अधिक सफर तय करते हैं तो यात्रियों को 20 रुपए अदा करने होंगे, जबकि 20 किलोमीटर से अधिक सफर पर यात्रियों से 1 रुपए के प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लिया जाएगा। हमीरपुर HRTC के आरम राणा ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक वैन के पहुंच जाने से अब लोगों को सस्ता सफर करने को मिलेगा और वैन की सुविधा लोगों को जल्द ही मुहैया करवाई जाएगी। गौरतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक वैन से सबसे ज्यादा लाभ लोकल लोगों को मिलेगा और ये वाहन NIT बड़ू दुसड़का बल पक्का प्रो के अलावा आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे में लोगों को सेवाएं देगी।